कहने को तो ये कहानी चूहेदानी बेचने वाले पैडलर की है, जो कभी कभी अपनी ज़िंदगी में छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है। लेकिन उसके बावजूद ये कहानी कई हिस्सों में हमें जीवन की बहुत ही बेहतरीन सीख देती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी चैप्टरों की वीडियो तो आसानी से देख ही पाएँ, साथ साथ उनमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनके जवाब किस प्रकार लिखने हैं ये भी जान पाएँ। चलिए समझते हैं इस चैप्टर की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है द पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स। पेडलर घूम घूम कर छोटे चूहे दानियां बेचता है। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े कम चीथड़े ज्यादा नजर आते हैं। हिज चीक्स वर होलो, उसके गाल अंदर की ओर धसे हुए खोखले हैं। ही हैड द लुक ऑफ अ स्टार्व्ड मैन, और वो देखने में एक भूखे आदमी जैसा नजर आता है। ही मेड वायर ट्रैप्स, ही बैग्ड द मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स एंड बिग फर्म्स। वो तारों की चूहेदानियाँ बनाता है और उसे बनाने का जो सामान है कभी वो किसी दुकान या किसी कंपनी से ले लेता है। समटाइम्स ही रिस्टोर टू बैगिंग एंड लिटिल स्टीलिंग टू सर्वाइव। कभी कभी वो इसके लिए भीख भी मांगता है और चोरियाँ भी करता है। द वर्ल्ड नेवर बीन काइंड टू हिम, ये दुनिया कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं थी। ही हैड नो होम नो शेल्टर, पेडलर के पास ना ही घर है ना ही कोई आश्रय है। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी इस कहानी के मुख्य किरदार पैडलर के बारे में। द पैडलर लेड अ लोनली लाइफ वन डे व्हाइल ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप्स। पैडलर जिंदगी में अपना अकेला साथी है, और एक दिन जब वो अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, एन आइडिया स्टक है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया अटक गया। ही थॉट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज अ रेड ट्रैप, एज सून एज एनीबॉडी टच्ड इट द ट्रैप क्लोज्ड ऑन देम। वो सोचता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया ही अपने आप में एक चूहेदानी है, और जैसे कोई इसे छूता है इसके अंदर बंद हो जाता है। यहाँ पर जो ख्याल उसे ये आता है, ये ख्याल इसको बहुत आनंद देता है, और ये बस ये सोचता है कि दुनिया एक चूहेदानी है। ये ख्याल एक मजाक नहीं, ये ख्याल अपने आप में एक बहुत कीमती ख्याल है। अगर देखा जाए तो पैडलर की सोच बिल्कुल सही है। जो पैसा, जो शोहरत, जो बड़ी बड़ी इमारतें, जो सुख और सुविधाएं हम देखते हैं, वो चारा है जो चूहेदानी के अंदर मौजूद होता है। जैसे एक चूहा चूहेदानी के अंदर रोटी, ब्रेड या किसी चीज़ का भी टुकड़ा देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है, और जैसे ही वो उसे पकड़ता है चूहेदानी का गेट बंद हो जाता है और चूहा उसके अंदर फंस जाता है। उसी प्रकार इस जीवन की इस माया में हम लोग जैसे ही चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बाकी माया हमें आपस में जकड़ लेती है और हम इसी में फंस के इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और सुख खोजते रहते हैं। तो इस पूरे ख्याल के बाद पैडलर बहुत खुश है। अब कहानी में आगे देखिए। इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग इन डिसम्बर, ही रीच्ड अ कॉटेज ऑन द रोड साइड। कहानी स्वीडन की है और दिसंबर के समय वहां पर काफी ठंडी शामें हैं। वो सड़क किनारे मौजूद एक कुटिया पर पहुंचता है। ही नॉक्ड एट द डोर एंड आस्क्ड फॉर नाइट शेल्टर, और उस गेट को बजाकर वो उस रात वहां पर रुकने के लिए मदद मांगता है। The owner of the cottage was a lonely old cobbler, और उस कुटिया का जो मालिक है वो अकेला बूढ़ा क्रॉफ्टर। He welcomed the peddler, he wanted someone to talk to, और वो बूढ़ा क्रॉफ्टर जो है वो पैडलर का स्वागत करता है, और वो ये चाहता था कि भी कोई हो उसके पास जिससे वो बात कर सके। यानी कि पैडलर को क्रॉफ्टर देख के बहुत खुश है कि कोई तो आया जिससे वो अब आज बैठ के बातें कर सकेगा। He gave the peddler hot porridge to eat, और वो पैडलर को गर्मा गर्म खिचड़ी देता है खाने के लिए। इसका अक्सर मतलब खिचड़ी, दलिया, कुछ भी हो सकता है। And tobacco to smoke, और स्मोक के लिए तंबाकू भी देता है। Then they played cards, उसके बाद वो ताश से खेलते भी हैं। Then crofter was generous as well as trustful, और जो crofter है, जो उस घर का मालिक है, वो काफी उदार है और भरोसे लायक व्यक्ति भी है। He told the peddler that he had a cow and sold her milk to creamery, और यहाँ पर वो पैडलर को बताता है कि मेरे पास गाय हैं और उनका दूध मैं एक कंपनी को बेचता हूँ जो भी उनसे दूध, दही, घी या जो भी बनाती है वो बनाती है। He also told him that he received 30 kroners as a payment to previous month, और यहाँ पर जो क्रॉफ्टर है वो पैडलर को बताता है कि पिछले महीने इसी काम को करके उसको 30 kroners मिले हैं। ये कहानी क्योंकि बहुत पुरानी है तो उस वक्त 30 क्रोनर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और अगर वर्तमान समय की बात करें तो हमारे देश के 8.5 रुपये बराबर 1 क्रोनर्स होते हैं।
Then he took down a pouch and showed him the money. उसके बाद वो एक पाउच एक थैली उतारता है और जो पैडलर है उसे वो पैसे दिखाता है. Then he put the money back in the pouch and hung it on a nail in the window frame. और उसके बाद उस पैसे को वो वापस रख के उस पाउच को वहीं खिड़की के पास मौजूद एक कील में टांग देता है. कहानी में अब इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह क्या होता है अब उस तरफ चलते हैं. Next morning, the peddler steals the money and takes the back road to keep away from the people and gets lost in the jungle at night. अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं और पैडलर वहां से उस घर से निकल चलता है अपने आगे के रास्ते पर, तो उस दौरान वो जाते के बाद उस घर से वो जो पैसे क्रॉफ्टर ने उसे दिखाए थे वो चुरा लेता है और उसके बाद मेन रास्ते से ना जा करके सड़क से उतर के अंदर जंगल का रास्ता ले लेता है ताकि वो लोगों से बच सके और उसके बाद वो उसी जंगल में खो जाता है रात होते होते. While he wanders in the forest, he realizes that he has also got caught in the rat trap and that the money was a bait. और उसके बाद जब वो जंगल में भटक रहा होता है तभी उसे ये एहसास होता है कि वो भी अब एक रैट ट्रैप में फंस चुका है. वो जो जंगल है वो रैट ट्रैप है और पैसे जो उसने चुराए हैं वो बैट है, क्योंकि अब उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है. वो पूरे दिन भर भटकने के बाद उसी जगह पर आके खड़ा है जहाँ से वो चला था. फाइनली अब होता क्या है यहाँ पर, वो जंगल में थक हार करके जमीन पर लेट जाता है. तभी उसे कुछ दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो उस आवाज की तरफ चलना चालू करता है तो वो राम शो आयरन बॉक्स पहुंच जाता है जहां पर लोहे का काम होता है. वेयर ही टेक्स शेल्टर फॉर द नाइट, और जहां पर वो रात्रि भर के आराम के लिए रुक जाता है, क्योंकि दिसंबर का महीना है, ठंडी रातें हैं, तो जो भट्टी चल रही है उसके पास उसे थोड़ी गर्माहट मिलती है और वहीं वो सो जाता है. द ब्लैक स्मिथ एंड हिज असिस्टेंट इग्नोर हिम बट द मास्टर मिस्टेक्स हिम टू बी एन old acquaintance and invites him home. जो blacksmith उसी iron works के अंदर जो काम करने वाला लोहार और उसका जो सहायक साथी है वो इसको ignore कर देते हैं. लेकिन वही रात के दौरे पर उस मील का जब उस iron works का जो मालिक है वो घूमने के लिए आता है और वहाँ पर पाता है कि peddler लेटा हुआ है, तो वहाँ पर मालिक से गलती हो जाती है. वो अंधेरे में इसके लुक्स के हुलिये से इसे पहचान नहीं पाता और ये अंदाजा लगा लेता है कि ये उनका कोई पुराना दोस्त है और इसलिए वो पैडलर कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो. थ्रो द पैडलर डज नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर. अब यहाँ पर पैडलर गलती करता है कि वो आयरन मास्टर को सच नहीं बताता, वो भी उसे कुछ नहीं कहता कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, और वो ऐसा इस उम्मीद में कर रहा होता है कि उसे ये अंदाजा लगता है कि मैं घर जाने से अगर मना कर दूंगा तो मेरी ऐसी कंडीशन देख करके हो सकता है कि ये मिल का मालिक जो है मेरी मदद के तौर पे मुझे कुछ पैसे दे देगा. ही डिक्लाइन हिज इन्विटेशन, इसलिए वो उसके साथ घर जाने से मना कर देता है. यहाँ पर आपको याद रखना है कि कहानी में अब तक कितने किरदार आ चुके हैं. एक तो हमारा पैडलर है, उसके बाद आया क्रॉफ्टर, और क्रॉफ्टर के बाद अब इस रामजो आयरन वर्क्स का मालिक. अब इसके बाद द आयरन मास्टर देन सेंड्स हिज डॉटर हु परसुएड हिम टू गो होम विद हर. अब आयरन मास्टर घर जाकर के वहां से अपनी बेटी को भेजता है जो जाकर यहां पर पैडलर को मनाती है. अब जो ये चौथा किरदार है जो इस रामजो आयरन वर्क्स के मालिक की बेटी है जिसका नाम है एडला विलमेंसन, ये देखने में तो सुंदर नहीं है लेकिन इसके पास लोगों को मनाने की राजी करने की बहुत ही बड़ी ताकत है. ये एक प्रकार से एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एडला के अंदर और एडला इसमें कामयाब रहती है. लेकिन शी नोटिसेस हिज अनकाउत अपीयरेंस एंड थिंक्स दैट ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल. लेकिन यहाँ पर एडला को इस बात का शक हो जाता है कि हो ना हो ये व्यक्ति वो नहीं है जो एडला के पिता समझ रहे हैं, या तो ये इसका जो पूरा का पूरा अपीयरेंस है उसके कारण एडला को ये लगता है कि या तो इसने कुछ चुरा रखा है और या फिर ये जेल से भाग कर आया है. अब इसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं. द पैडलर इज स्क्रब्ड बैथ्ड गिवन अ हेयर कट अ शेव एंड अ सूट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स ऑफ द आयरन मास्टर. उसके बाद पैडलर को घर ले जाया जाता है, वहाँ पर उसकी बाल काटे जाते हैं, दाढ़ी बनाई जाती है, उसे रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है और उसके बाद जो आयरन मास्टर है उसके कपड़े उसे पहनने के लिए दिए जाते हैं. इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह की रोशनी में द आयरन मास्टर रियलाइजेज ही हैज मिस्टेकन एंड दैट ही इज नॉट द कैप्टन. और उसके बाद जब सुबह की रोशनी होती है तब उस आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये जो व्यक्ति जिसे वो पैडलर को जो वो अपना दोस्त समझ के लाया है वो उसका दोस्त, वो कैप्टन नहीं है.
He wants to call the sheriff. अब वो यहाँ पर चाहता है कि भाई अब शेरिफ बुलाया जाए भाई पुलिस वाले लोगों को और उसको पकड़वा दिया जाए. But the peddler is agitated and he breaks out that the world is a rat trap and he too is sure to be caught in it. और पैडलर यहाँ पर जब उसे कुछ नहीं सोचता तो उत्तेजित होकर जो उसे एक ख्याल बड़ी मुश्किल से आया था वो यहाँ पर बोल डालता है कि भाई दुनिया एक रैट ट्रैप है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसके अंदर फंस गया हूँ, इस टाइप की बात है. द आयरन मास्टर इज अम्यूज्ड बट ऑर्डर हिम आउट. यहाँ पे आयरन मास्टर को ये सारी बातें आनंददायक तो लगती हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये आदेश देता है कि निकल जाओ उधर से. द कंपैशनेट एडला कन्विंस हर फादर दैट ही कुड स्पेंड द क्रिसमस डे विद अस. और यहाँ पर एडला जो है अपना करुणामय रूप दिखाते हुए अपने पिता को ये समझाते हुए ये कहती है कि कम से कम आज क्रिसमस है और क्रिसमस की शाम इसे हमारे साथ ही बिताने दो. द पैडलर स्पेंड्स द होल क्रिसमस ईव ईटिंग एंड स्लीपिंग. और ऐसे पैडलर क्रिसमस की जो पूरी शाम है वो खाते और सोते हुए बिता देता है. आगे क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों चर्च जाते. देयर दे कम टू नो द पैडलर वाज अ थीव. जहां पर उन्हें पता लगता है कि वो जो पैडलर था जो उनके घर में है वो एक चोर है. He had robbed the crofter. जिसने crofter के पास चोरी की है. The iron master was sure that the peddler must have made away their silver. अब यहाँ पर iron master को ये पूरा यकीन हो जाता है कि भाई उसने अब तक हमारे घर से भी चोरी कर ली होगी. Adela was dejected. अब Adela भी यहाँ पर स्तब्ध है. But when they reached home, they learned that the peddler had left. जब वो घर पहुँचते हैं तो वो पाते हैं कि peddler वहाँ से जा चुका है. But he had taken away nothing. लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है. On the other hand, he had left a Christmas present for Adela. और जहाँ पर जाने से पहले वो लेकर कुछ नहीं गया बल्कि एक तोहफा जरूर छोड़ गया है Christmas present के तौर पर Adela के लिए. Adela opened the present. Adela उस gift को तोहफे को खोलती है. It was a teeny rat trap. और उसके अंदर एक छोटा सा rat trap होता है. Adela was happy to see that the peddler had left the crofter's money behind. और एडला को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि पैडलर जो है क्रॉफ्टर के जो पैसे उसने चुराए थे जो 30 क्रोनर्स थे वो भी वहीं छोड़ गया है. There was a letter also. और वहाँ पर एक चिट्ठी भी थी. It was addressed to Adela. जो एडला के लिए लिखी गई थी. He thanked her for her kindness. जिसमें जो हमारा पैडलर है वो एडला की दयालुता के लिए उसे धन्यवाद कहता है. कहता है ही वॉन्टेड टू रिपे हर काइंडनेस. वो कहता मैं आपकी काइंडनेस के प्रति जो आपकी दयालुता थी मेरी प्रति उसके प्रति कुछ देना चाहता था. सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी. इसीलिए मैंने जो क्रॉफ्टर का पैसा चुराया था वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ. एंड हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न इट टू द क्रॉफ्टर. और उसमें उसने एडला से रिक्वेस्ट भी करी थी कि ये पैसा क्रॉफ्टर को लौटा देना. He said he had been raised to captain. That was why he could come out the rat trap in which he had been caught. और यहाँ पर वो कहता है कि मैं एक कैप्टन बन गया हूँ और उस रैट ट्रैप से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे एज अ कैप्टन की तरह ही आप लोगों ने ट्रीट किया. और इसके बाद वो वहाँ पर लेटर में अपना नाम ना लिख कर के कैप्टन वॉन स्टेबल जो समझ के आयरन मिल्स का मालिक अपने साथ पैडलर को लेकर आया था उसके नाम से नीचे साइन करता है कि अब मैं एक कैप्टन बन चुका हूँ क्योंकि आप लोगों की दयालुता ने मुझे वैसा ही इंसान बना दिया. तो ये कहानी पूरी की पूरी कुछ ऐसी है. कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एडला को जो लेटर लिखा था उसमें क्या था, क्या लास्ट में पैडलर बदल गया, उसने कैसे जो है क्रॉफ्टर के पैसे चुराए, एडला उसे घर आने के लिए कैसे मनाती है, इन सभी चीज़ों के आपको जवाब यहाँ पर मिल सकते हैं. क्वेश्चन आता है कि जो आयरन मीन्स का मालिक है उसे अपनी गलती का एहसास कब हुआ, तो उसका आंसर भी आप यहाँ से बहुत आसानी से लिख सकते हैं. क्रिसमस की शाम पैडलर ने कैसे बिताई उसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिल चुका है. अब ये कहानी हमें सीख क्या देती है, बात करते हैं इसकी. कहानी बहुत सारी सीख देती है. सबसे बड़ी सीख तो इस कहानी में मेन थॉट है जो पैडलर के दिमाग में आता है. दूसरी चीज़, क्रॉफ्टर के वो जो पैसे चुराता है वो उसने बहुत गलत काम किया क्योंकि ऐसा करके वो क्रॉफ्टर का भरोसा उन लोगों से भी उठा देगा जिस पर वो आगे आने वाले टाइम में भरोसा कर सकता है. साथ साथ इस कहानी में हमें ये भी दिखाया कि यदि कोई बुरा है और उसके साथ अगर हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो हम उसे धीरे धीरे बदल सकते हैं, जैसे कि एडला ने पैडलर के साथ किया.
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो कर देना शेयर अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो में एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ आपके चैप्टर की। तब तक के लिए नमस्कार।